आप स्टंट तो नहीं कहेंगे। दरअसल राजनीति में क्या होता है, राजनीति दो तरीके से चलती है। एक, घटी हुई घटनाओं को कैसे अपने फेवर में बुनाया जा सकता है, पब्लिक में कैसे एक मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है किसी भी घटी हुई घटनाओं पर। और इसको लेकर आज की तारीख में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े माहिर, अगर आज की तारीख में पॉलिटिशियन कहेंगे तो वो है कि जो घटनाएं कुछ समाज में घट जाती है उनको कैसे अपने फेवर में माहौल बनाने के लिए एक मूवमेंट दी जा सकती है, पहली बात। दूसरी, ये भी इसी तरह की घटना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये स्टंट हो और प्लांट किया गया हो या फिर क्रिएट किया गया हो। ये एक घटी हुई घटना है, और घटी हुई घटना को अगर भगवंत मान वहां पे इस तरह उसको उनको बर्खास्त कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, तो आप जब इसको देखेंगे तो ये एक तरह से उन्होंने ये कोई घटना घटी और उसको अपने पक्ष में उसका प्रिविलेज ले लिया, उसको लाभ की तरीके से, राजनीतिक लाभ की तरीके से इसको ले लिया। मैं इसको विशुद्ध राजनीतिक लाभ कहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, जैसे अभी रंजना जी भी कह रही थी कि जो भ्रष्टाचार है वो एक सिस्टम का हिस्सा बनता हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको इतनी आसानी से खत्म भी नहीं किया जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं कि इतनी आसानी से नहीं, उसको खत्म करना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये पहली बात है। दूसरा, भाजपा अगर कह रही है कि ये तो मैं देख रहा था, भाजपा भी कह रही है, कांग्रेस के भी कुछ इस तरह के स्वर है कि ये तो करप्शन जो 1% है उसमें बंटवारे का और तमाम तरह का इस तरह का वो मामला है, जब नहीं मिला तो वो हटा दिया, इस तरह की भी बातें आ रही है। लेकिन आप ये बताइए, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, उनका काम है ये। अगर भाजपा आज कोई एक्शन लेती है, या मान के चलिए कि कोई किसी भी प्रदेश जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे किसी को बर्खास्त करने की इस तरह की घटना होती है, तो आज की तारीख में पूरा का पूरा इतना बड़ा हल्ला खड़ा कर देते कि बोले देखिए ये जीरो टॉलरेंस है, हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो एक वहां हुआ और उसको उसने अपने पक्ष में ले लिया। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, आज के मौजूदा जो देश के राजनीतिक हालात बन गए हैं, ठीक है आम आदमी पार्टी ने किया, केजरीवाल ने भी इस तरह के कई सारे काम किए, वो उनको आता है कि किस तरह से पब्लिक में मूवमेंट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आज की मौजूदा राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी बहुत दूर दूर तक, ये सपने में सोचने जैसी बात है कि 24 में या फिर 24 के थोड़ा बहुत आगे जाके आम आदमी पार्टी कोई बीजेपी को मुकाबला कर सकती है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी लीडरशिप खड़ा करने के लिए और बहुत बड़ा वोट बैंक चाहिए, 20 करोड़ के आसपास वोट चाहिए आपको वहां फाइट करने के लिए। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो इस तरह के डिसीजन है, जो जनता जिनको पसंद करती है, और बीजेपी के कहने से, बीजेपी के प्रवक्ता के कहने से या वाला है, क्योंकि वहां की जो जनता है वहां मैसेज चला गया जो मैसेज जाना था। तो इसीलिए आप इसको इस तरह से देखिए कि उन्होंने ये एक काम किया है, और ये काम आज की तारीख में इस तरह के कुछ कारनामे और काम जो है वो कांग्रेस को करने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस करेगी तब वो थोड़ा बहुत कहीं खड़ी हो पाएगी, वो तो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में ही है। और आप ये देखिए, अगर ये कह रहे हैं, जैसे मैं तो उत्तराखंड में बैठता हूँ, देहरादून में बैठता हूँ, अगर यहाँ चार धाम यात्रा और तमाम चीजों को लेके कहने लगे, तमाम अव्यवस्था है और तमाम चीजें हैं, इस तरह के एक्शन यहाँ पे भी लेने चाहिए। ये तो एक मैसेज देना चाहिए नेताओं को भी और नौकरशाही को भी कि सख्ती हो सकती है। वो आम आदमी पार्टी कर रही वो भी अच्छी बात है, भाजपा कर रही वो भी अच्छी बात है, कांग्रेस करे तो वो भी अच्छी बात है। राहुल आजम खान की जब बात करते हैं ना, वो बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे राजनीति करते हैं वो, पहली बात। दूसरी क्या है कि इसको केवल इतना ही नहीं देखना चाहिए कि आजम खान अखिलेश से नाराज है। देखिए, आजम खान के अखिलेश से नाराज होने की बहुत सारी वजह है। उसने पार्टी के जिस तरह से सभा को पैरवी करनी चाहिए थी उस तरह की नहीं, वो बहुत ज्यादा मिलने भी नहीं गए, एक बार शायद गए हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा इस तरह का जो गोलबंदी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर करनी चाहिए, उस तरह से हुई नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या है कि इसको इतना ही मत देखिए, सवाल ये भी है कि अगर वो उससे नाराज है, वो नाराज होकर कोई रास्ता बनाना चाह रहे हैं तो रास्ता क्या है, एक ये भी है। जब तक उनको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, जब तक उनके सामने कोई तस्वीर साफ नहीं होगी, तब तक वो बहुत ज्यादा साफ साफ कुछ कहेंगे भी नहीं। और वो आजम खान की राजनीति करने का वो तरीका है, इशारों में बात करना, चीजों को इतने वो बात कहनी जो केवल मैसेज पहुंचाती हो,
जिस जहां वो संदेश देना चाहते हैं वो केवल वहीं तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो उनका तरीका है। और जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं वो इसी तरह करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर अखिलेश से वो अलग होते, वो जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वो रास्ता क्या बनाते हैं अलग। भाजपा में वो मुझे लगता नहीं है जाएंगे ही नहीं भाजपा में। शिवपाल को लेकर तो बीच बीच में बात होती भी है, लगभग फाइनल जैसी स्थिति बनती है, लेकिन वो भी पीछे हट जाते हैं। वो पीछे हट जाते हैं या क्या हट जाते हैं, लेकिन भाजपा तो लगभग तैयारी थी उसको लेकर। तो सवाल ये है कि वो उनके पास रास्ता क्या है। तो वो इसी तरीके से जब तक उनको कोई वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक इसी तरह की सिचुएशन बनेगी। वो ना समझ में आने वाली बात रहेगी कि अच्छा ये है, कल कुछ दूसरा मैसेज आएगा, हो सकता है एक आध दिन बाद नजदीक होगा है फिर दूरी होगा है। तो ये एक वहां है, वहां अभी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है चीजों को कि हो क्या रहा है, पहली बात। दूसरा, जो हम साथ साथ में बात कर रहे हैं भाजपा को लेकर, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, और ये आजम खान और सपा को भी समझना पड़ेगा, ये सारे सवाल यहीं से, जितने सवाल है इनके उत्तर यहीं से आते हैं। जब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का जो बनी है, गठन हुआ है, उदय हुआ है, वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक नैरेटिव बनाया है और उसी पे काम करते हैं, छोटी छोटी बातों को सामने लाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल, मैं उस समय नोएडा और एनसीआर में था जब अरविंद केजरीवाल बिजली बिलों को लेकर, मीटर को लेकर, बहुत छोटे छोटे मामलों को लेकर नोएडा में और इनमें एक मुहिम चलाए हुए थे तमाम चीजों को लेकर। तो वो इसी यही करते 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 खड़े हो गए हैं। तो इसीलिए वो साफ संदेश देते हैं, बोले कि वो ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार नहीं है, वो ये कहते हैं कि हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब भी उनको मौका लगता है वो एक मैसेज दे देते हैं अपने फॉलोअर्स को। आप ये देखिए भाजपा का उदय कैसे हुआ, भाजपा किस तरीके से खड़ी हुई और कहां वो आज है उसको समझना पड़ेगा। जैसे आप कोविड काल को देखेंगे, इतना बड़ा मामला हो गया, लोग लंबी लंबी पैदल यात्राएं और पता नहीं कैसे कैसे घर पहुंचे, लेकिन वो चुप हो गए। कोई भी बात होती है वो चुप हो जाते हैं। जो मंत्री उनकी नजर में आ भी जाते हैं या फिर जो अधिकारी है, जो लोग आ भी जाते हैं कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो उसको अपने तरीके से निपटते हैं। उसको ये नहीं कहते कि हम हटा देंगे या कोई मैसेज दे देंगे। आप देखिए जब मंत्रिमंडल बदला गया, पहले मंत्रिमंडल में और अब के जो मंत्रिमंडल है, बहुत सारे लोग एकदम सीन से गायब है, जो एक समय दिखा करते थे कि ये तो बहुत पावरफुल है, इन्हीं से सरकार चल रही है, ये तो बड़े बड़े केंद्र सरकार के स्तंभ है, वो खत्म है, कहीं भी नहीं है आज। तो ये काम करने का उनका एक तरीका है, बीजेपी का तरीका यही है। बिल्कुल और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।